हेलो एवरीवन, दिस इज लेजी और कर आप लोगों का स्वागत है फेडा के नए डीएलसी मैप में। लास्ट टाइम जिन लोगों को नहीं पता है, हम लोगों ने ये बीस्ट बॉय मैक्स लेवल का एंट्री होगा हम लोगों ने अटेम्प्ट किया। एक्चुअली मैं मैक्स भी नहीं बोल सकता, ये 290 लेवल का एंट्री था और उसको फिर हम लोगों ने एक बार में बिना फेल हुए अटेम्प्ट किया। और एक्चुअल में देखा जाए तो ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल और कुछ ज़्यादा ही मस्त लग रहा है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम लोग अभी भी 58 लेवल के हैं और एक एंड्रियो का सैडल जो होता है उस सैडल को एक्चुअली में देखा जाए तो वो 74 में अनलॉक होता है। तो जब तक वो सैडल नहीं होगा तब तक हम लोगों के पास मिनी गन इसका नहीं आने वाला है, जो कि एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा सैड बात हो रहा है। तो तब तक लिए हम कोई दिक्कत नहीं है, तब तक हम इसको लेवल अप करते हैं और उसको मैक्स करेंगे, अपग्रेड करेंगे, फुल बूस्ट अप करेंगे डैमेज के साथ, फिर चेक करेंगे कि एक्चुअली में इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है इसके मिनी गन्स के साथ। तो जब तक वो सब हो रहा है तब तक के लिए बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक ऑलमोस्ट हाई लेवल के टेरानो को टीम किया था और अभी तक मैं इसको यूज़ भी सही से नहीं किया हूँ, पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये सील्ड कुछ ज़्यादा ही भारी हो जा रहा है, एक काम करता हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको निकालते हैं और इस सॉर्ड को डालते हैं। सो ये एक्चुअल में यही है जो वाइकिंग का जो फोर्ज है उसके अंदर हम इसको क्राफ्ट करें। मैं बहुत सारी चीज़ों को क्राफ्ट किया था चेक करने के लिए, एट द एंड मुझे ये दो ही चीज़ बस पसंद आया था। पहला तो ये कि कैसे मैं बोलूँ, पहले मुझे वो सील्ड और दूसरा ये सॉर्ड, तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे ये दो चीज़। और उसके बाद हम लोग इस एपिसोड में एक्चुअली प्रिपरेशन करने वाले हैं डेस्मोडस को टेम करने के लिए, क्योंकि डेस्मोडस के लिए इसलिए क्योंकि अचानक से मैं जब सैडल चेक किया तो मुझे पता चला कि डेस्मोडस का सैडल 59 लेवल पर अनलॉक होता है और हम ऑलरेडी 58 लेवल के। तो उसके लिए मैं ब्लड पैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं ब्लड पैक्स हमें पहले लो लेवल के लिए टेम करना है, क्योंकि डेस्मोडस का खुद का एक एबिलिटी है जिसमें अगर वो किसी भी क्रिएचर को किल करता है तो वो उसका ब्लड पैक्स को कलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद हम हाई लेवल पर जा सकते हैं। क्योंकि मैक्स लेवल का एक डेस्मोडस को टेम करना टेम करना मीन्स ऑलमोस्ट 300-400 के आसपास इसका ज़रूरत पड़ेगा, जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है और उतना अर्ली स्टेज में कलेक्ट करना नामुमकिन के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी के लिए जितना भी लो लेवल जितना हम लोगों के पास ब्लड पैक्स है उतने ब्लड पैक्स में अगर कलेक्ट हो जा रहा है तो सही है, एंड उसके बाद जैसे ही प्रोसेस मिलेगा हम क्या करेंगे कि उसको ये। तो मुझे एक्चुअल में देखा जाए तो वैसे तो लोकेशन पता है कि डेस्मोडस मुझे कहाँ पर मिलने वाला है, तो उसका टेंशन नहीं है। बट तब भी क्या होता है कि उसके पहले प्रिपरेशन अगर कर लेंगे तो सही रहेगा। कुछ चीज़ें जैसे कि अरे रुक जा, चलो वो फ्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। तो हम लोगों को सबसे पहले एक्चुअली में जहाँ पे रॉक ट्रैक का ट्रेंच था पिछला वाला, वहाँ पे मैं जब घूम रहा था तब मैंने डेस्मोडस को वहाँ पे स्पॉट किया था, और वो जगह एक्चुअली में देखा जाए तो टेम करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है वो केव। बाकी भी केव्स में अवेलेबल है बट मुझे लगता है कि वो केव मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा डेस्मोडस के लिए। सो हम क्या करेंगे कि हम उसी केव पे जाएंगे, बट एज़ वो मैप के पूरा अपोजिट साइड है, हमको वहाँ जाने के लिए मेविंग का ज़रूरत है और उसके पहले हम लोगों को मेविंग को टेम करना है। तो मेविंग के लिए हम इस एपिसोड में जा रहे हैं, कुछ प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जैसे कि ओ एक मिनट, मैं एक और चीज़ तो भूल ही गया। ठीक है, सबसे पहले हार्पोन लॉन्चर, एक और पॉलीमर सीमेंटिंग पेस्ट का ज़रूरत है। ओके, सो पॉलीमर आई थिंक पॉलीमर नहीं है, ठीक है। क्या फैब्रिकेटर अवेलेबल है? पूरा स्पार्क पाउडर एंड 20 सीमेंटिंग पेस्ट और हार्पोन 60-80 सीमेंटिंग पेस्ट का ज़रूरत है और अराउंड 5 काइटेंस और कुछ स्टोन्स का ज़रूरत है। ठीक है, उससे पहले हम लोगों को अगर किसी चीज़ का ज़रूरत है तो एक फैब्रिकेटर बनाने के लिए मुझे स्पार्क पाउडर्स का ज़रूरत है। अब स्पार्क पाउडर 100 अराउंड बनाने के लिए कितना का ज़रूरत है? फ्लिंट्स का। ओके, सो एक काम करते हैं, पहले ये सब चीज़ पे ना ध्यान दे के एक काम किया जा सकता है, ये सब चीज़ का सोल्यूशन एक ही है, हमारा अपग्रेड स्टेशन। एक मिनट, सच में मेरे पास मेटल नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है?
वही तो मैं भी सोचूं कि मेरे पास मेटल्स की तो कमी नहीं होनी चाहिए थी। मैं एक सेकंड के लिए अचानक से डर गया। अरे मेटल 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 नॉट मेटल इंगोट्स। ओके ओके, मैं ये चीज क्यों नहीं ध्यान दिया, मैं ये सोच रहा हूँ मेटल्स का जरूरत है, मेटल इंगोट्स का नहीं। ओके अरे दो मेटल्स यार, ऐसे में तो टाइम लग जाएगा। अच्छा बताओ, मुझे तो लगा था कि मेटल। अरे यार और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। हाँ हाँ ये सब टूट क्यों नहीं रहे? हाँ मिल गया, ये बड़ा सा होता। होप कि मुझे तीन चार तो दे देगा कम से कम। तीन चार बक। सीरियसली एक भी मेटल नहीं यार। बहुत अच्छे, अब उसको वुड चाहिए। वुड 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 वुड। ठीक है, तो हम लोगों का अपग्रेड स्टेशन ऑलमोस्ट बन चुका है। तो सबसे पहले इस स्टेशन से काम होगा, स्टेशन को हम जानबूझ के दूसरे साइड रखते हैं क्योंकि हम लोगों को वैसे भी इसका इतना जरूरत नहीं है। ये एंड देन ये। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का जरूरत है, जैसे कि अगर मैं स्टोन्स पहले डाल देता हूँ, जितने भी आई थिंक मेटल्स। क्या हुआ? ठीक है, तो इतना काफ़ी रहेगा। हम लोगों को फ्लिंट भी मिल चुका है, तो आई थिंक मुझे फ्लिंट्स का पहले ज़रूरत था इस चीज़ के लिए। कैसे मैं बोलूँ, एक मिनट। ओह आई थिंक इतना काफ़ी है। और क्या हम लोगों के पास उतना ये बन चुका सीमेंटिंग पेस्ट? अरे ओ काइटिन, यस 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 यस। हम लोगों को काइटिन के लिए किसी बड़े डाइनो को टेम पीटना पड़ेगा, बट उससे पहले हम अगर इन कुछ वेपन्स को अगर अपग्रेड कर देंगे तो सही रहेगा। लाइक मुझे सबसे पहले अटेम्प अपग्रेड के लिए मुझे चाहिए फाइबर एंड सॉरी हाइड एंड वुड। वुड के लिए हम एक काम कर सकते हैं, लार्ज में जितना भी है पहले इतना निकाल दो, और उसके बाद हाइट हाइट ऑलमोस्ट इतना कलेक्ट करके निकाल देते हैं। आई होप कि इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि एक अटेम्प्ट 144%, दूसरा अटेम्प्ट 177%, 1213, और एक 305, 396, एंड आई थिंक ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, दूसरे वाले को अटेम्प्ट करते हैं। काफ़ी है काफ़ी है काफ़ी है, और ये भी काफ़ी है। आई थिंक और पॉसिबल नहीं है, और 36। ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। आई थिंक ओवर भी करना सही नहीं है। ठीक है, तो ये सब हो चुका है। मे बी हम शायद एक क्रॉसबो को अपग्रेड कर सकते हैं, चांसेस है। एक काम करता हूँ, एक को करने के लिए पहले इसको पूरा ये कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ तो सही रहेगा। ठीक है, ये हो चुका है, और इसके बाद जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, तो ये वाले को अटेम्प्ट। ओ फाइबर, इसके लिए फाइबर का जरूरत है। सोचा नहीं था कि एट दी एंड ऐसा भी हाल होगा। ठीक है, एक सेट। अरे यार मेरा फूड और ये लेवल गिर चुका था क्या? मुझे ऐसा कुछ पता भी नहीं था। मैं अपना अपग्रेड स्टेशन में इतना ज़्यादा खो चुका था, मैं मुझे अच्छा लग रहा था कि मेरा परसेंटेज कुछ ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा था, बट मेरा मेटल हैचे हैचे का शायद दिक्कत हो जाएगा थोड़ा। कौन ऊपर घूम रहा है ऐसे?
मैंने डेफिनेटली किसी को देखा था वहां पे। अच्छा नाइन्टी 95 वुड्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है अभी के लिए रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एंड आई थिंक इतना काफ़ी है। तो ये वाले को हम अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें अभी ट्रैंक एरोज डालेंगे, ओके, एंड इसमें हम ग्रैपलर्स डाल रहे हैं। हम अपने वेपन्स को पूरा तरीके से चेंज करते जा रहे हैं ताकि हर चीज़ को ये कर सकें। पहले फैब्रिकेटर बनाते हैं, फैब्रिकेटर बनाने के लिए 20 सीमेंटिंग पेस्ट का ज़रूरत है एंड आई थिंक मैं सीमेंटिंग पेस्ट बना चुका था। ठीक है तो जब तक ये बन रहा है हम तब तक और काइटेंस को कलेक्ट करके आ जाते हैं एंड अगर यहाँ का काम है थोड़ा सा वाटर लेके आ जाते हैं। मे बी चांसेस है कि यहाँ का सब कुछ कलेक्ट हो चुका है। अब एरोस का अगर मैं बात करूँ तो 36 काफ़ी है। अब किसी प्रॉपर डाइनो को ढूंढना पड़ेगा जो हमें काइटेंस दे सके। अब काइटिन और कैराटिन के लिए दो ही ऑप्शन है मेरे पास, आइदर ट्राइलोबाइट्स, और ट्राइलोबाइट्स के लिए हम लोगों को साइड बाय साइड घूमना पड़ेगा रिवर के। तो देखते हैं कि कितना चांसेस है हम लोगों को ट्राइलोबाइट्स मिलने का, और कुछ ट्राइलोबाइट्स मिलने के बाद हम इधर उधर करते हैं। ओके मुझे टर्टल्स मिल चुके हैं और टर्टल्स कुछ ज़्यादा ही हैवी क्वांटिटी में। मुझे डर लग रहा है कि मैं गलती से अगर ब्रांटो को मार दिया तो दिक्कत हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी उसका 12,000 से ज़्यादा हेल्थ है, तो मुझे रिस्क लेना सही नहीं लगता है। ठीक है अब आराम से इनको मारते हैं। एक मरने वाला है, सेट सेट सेट, उसको खाना नहीं है क्योंकि मुझे इससे कलेक्ट करना है। अब मैं ये एक चीज़ भूल चुका हूँ कि एक्चुअली मैं जो कैरेटिन्स होते हैं कैरेटिन्स को एक्चुअली मैं हेचे से करना है या पिक पाइक से ये इससे करना है। तो अब मैं उस चीज़ को लेके कंफ्यूज हूँ। मे बी चांसेस होगा कि पहला वाला अगर मैं मिस करूँगा तब जाके ही शायद दूसरा वाला सही होगा, बट तब भी देखते हैं जब ये मर जाएगा उसी के बाद ही पता चलेगा। थोड़ा सा और एंड एक लास्ट। ठीक है अरे नहीं 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 खाना नहीं है, खाना नहीं है, खाना नहीं है। वो दोनों को खा गया इसीलिए मेरे को पसंद नहीं है, तो ना पासिव में ही रहे। मेरे को लगा था कि मैं अभी आराम से कैरेटिन्स कलेक्ट कर चुका होता, बेवकूफ ने सब खा दिया। क्या किया जाए एंड हम लोगों को मिल गई। वन ट्वेंटी फोर और अगर मैं दूसरे वाले से मारूंगा तो उससे कितना मिलेगा वो भी देख लेते हैं हम, दोनों से ट्राई करके देख लेता हूँ मैं। कहाँ गया उन लोगों का बॉडी? पानी के अंदर उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है, छोड़ो इससे अच्छा मैं एक और टर्टल को मार लूंगा ज्यादा बेटर है। जल्दी बाहर आ बाहर। तो अच्छे क्या किया जाए वही सोच रहा हूँ। दोनों का वैसे परसेंटेज कितना है, ये 430 है, ये 395। आई थिंक मेरा सेट बना नहीं चाहिए और पीछे इसी से करेंगे। ठीक है आई थिंक से 40, तो मुझे लग रहा है कि वो मेरा ज़्यादा बेटर था, तो मैं गलत वेपन से फिर हार्वेस्ट किया तो कहीं ना कहीं मेरा दिक्कत हो गया। ठीक है तो अब यहाँ से जल्दी निकलते हैं, तब तक उस सीमेंटिंग पेस्ट को कलेक्ट करते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं शायद दीवर डैम का लोकेशन जानता हूँ कहाँ लगता है, बट वहाँ पे पॉलीमर्स नहीं मिलेगा, पॉलीमर के लिए मुझे वापस स्नो एरिया में जाना पड़ेगा।
जो कि मैं अभी बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ जब तक फुली तरीके से मैं आम ना हो जाऊँ और अच्छा खासा ये ना बना लूँ, तो तब तक ठीक है। तो ऊपर की साइड निकलते हैं और कुछ काइटिन कैरेटिन्स को भी और कलेक्ट करके यहाँ से फिर ख़त्म करते हैं और सीधे निकलते हैं मेविन को टेम करने के लिए, क्योंकि मेवी हमारे लिए अभी तक का सबसे बेस्ट ऑप्शन में वही होगा। थोड़ा और ठीक है, तो काइटिन एंड कैरेटिन्स यहाँ पे आ चुके हैं एंड अब स्टोन्स की कमी पड़ गई। ठीक है, ओ स्टोन का टेंशन नहीं है, मैं अपने वेपन को अपग्रेड कर दिया तो कुछ ज़्यादा स्पीड में कलेक्ट हो रहा है। और एक दो ताकि 1000 के आसपास हो जाए तो सही रहेगा। चलो तो हम लोगों को ऑलमोस्ट कैसे बोलूँ, एक मिनट, क्या ये सब सही है मेरा? ठीक है, मुझे लग रहा है कि स्टोन्स का कलेक्शन भी सही अच्छा खासा हो चुका है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभी स्पार्क पाउडर बन सके, क्योंकि स्पार्क पाउडर से आई थिंक मैं सब चीज़ एक साथ बना लूँगा तो सही रहेगा। ठीक है, पहले तो ये बने, उसके बाद जितना जगह ये बनेगा और उसके बाद सिट सिट क्या और रहेंगे। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट होने देते हैं। सबसे पहले हम लोगों को अगर किसी चीज़ का ज़रूरत है तो वो है एक फैब्रिकेटर का स्पार्क पाउडर। ओ 20 एंड 50 20 एंड 50। फैब्रिकेटर बन जा, ठीक है, और उसके बाद एक दो इनका ज़रूरत है मुझे। ऑलमोस्ट आई थिंक पूरा रेडी। हाँ, तो कितने पॉलीमर्स का, बाय द वे मुझे ज़रूरत है एक हार्पोन लॉन्चर के लिए। मेरा हार्पोन लॉन्चर को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पिछली बार जब मैं खेला था तो हार्पोन लॉन्चर इतना जल्दी मैं कैसे बना लिया था। हार्पोन लॉन्चर सब कुछ है, बस पॉलीमर्स 30 का ज़रूरत है। आई होप कि 1 मिनट, अब तो और फंस गया। बन रहा है पॉलीमर्स 30, पॉलीमर पॉलीमर पॉलीमर, ओके पॉलीमर ऑलमोस्ट हो चुका है। मुझे पहले तो वैसे तो 30 का ज़रूरत है और मुझे लग ही रहा था कि सीमेंटिंग पेस्ट की कमी पड़ने वाली है। क्या और सीमेंटिंग पेस्ट बनने का चांसेस है? सीमेंटिंग पेस्ट 70 यहाँ है, 71 एंड 30 बनाने के लिए कितना का ज़रूरत पड़ सकता है? 121 पॉली, 1 मिनट, चांसेस है। मुझे लगा था कि ये बनेगा भी नहीं उतना। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है, बस मुझे लग रहा है कि इनका ज़रूरत है। ओके ठीक है, तो ये जब तक बन रहा है एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ ग्रैपलर्स बना लेते हैं पहले। ग्रैपलर्स नहीं तो फिर नेट प्रोजेक्टाइल्स बना लेते हैं। एक मिनट, इनके लिए भी पॉली का ज़रूरत है? मुझे लग रहा है पॉलीमर्स का बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत पड़ने वाला है हम लोगों को। पहले तो ग्रैपलर्स बना लेते हैं।
यार वाह, मगर लगा नहीं था कि एक एक आइटम के लिए मुझे आज ही ऐसा दौड़ाएगा। क्या अब मेरे पास उतना चीज हो चुका है जितने में मैं अपना काम बना सकूं? और तो जाना चाहिए यार, और कितना ज्यादा करेगा ये मेरे साथ ऐसे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इससे ग्रैपलर्स बन जाने चाहिए, बट सबसे बड़ा दिक्कत ये हो रहा है कि मुझे 10 सीमेंटिंग पेस्ट को निकालना पड़ेगा यहाँ से, एंड आई होप कि सब कंप्लीट ना हो गया हूँ। सेट सेट सेट, मुझे लग रहा है कि कुछ बच जाएगा मेरा सीमेंटिंग पेस्ट। ठीक है, हाँ, तो जितने सीमेंटिंग पेस्ट बचे हैं अगर हम उनको यहाँ पर डाल देते, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगले एपिसोड तक अगर मैं ये कर देता हूँ, सबसे पहले मैं हार्पून को एक बना देता हूँ, ताकि अब ऑब्सीडियंस का कमी हो गया। ठीक है, पहले ग्रैपलर्स ही बना लो। ले भाई, ले ले ले, सब ले ले। हुआ, ठीक है। और यहाँ पे एरोस मेरे पास ऑलरेडी 57 है, आई थिंक 43 के आसपास, और सॉरी 43। ठीक है, तो यहाँ का ये काम हो चुका। अब मुझे बस एक चीज़ चेक करना है कि मेरे हार्पून के लिए मुझे फाइनली कितना सामान चाहिए, क्या क्या चाहिए। ऑब्सीडियंस, मेटल इंगोट्स एंड सीमेंटिंग पेस्ट, एंड देन इधर नेट प्रोजेक्टाइल्स के लिए भी, और सॉरी नेट प्रोजेक्टाइल्स यहाँ पे हैं। नेट प्रोजेक्टाइल्स के लिए अगर मैं 10 का बात करता हूँ तो 5, आई थिंक ये 5 काफ़ी है। पहले यहाँ पे 5 ये बन जाए, और उसके बाद फिर अब हारपून पे देखते हैं कि एक्चुअली में अब हारपून्स के लिए क्या क्या ज़रूरत है। सो मेटल इंगोट बहुत ज़्यादा चाहिए, सीमेंटिंग पेस्ट भी बहुत चाहिए, और ऑब्सीडियंस भी बहुत चाहिए। चलो फिर निकलते हैं इस चीज़ की तलाश में, और यहाँ से फिर पहले भागो। मैं सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा दिक्कत एक्चुअली दोनों साइड से हो जाएगा। कंज्यूम 900 फाइबर कहाँ पे? इसका स्पीड अप जैसे ही हुआ उसके बाद तो सीधे हम वहां पे पहुंचेंगे, और क्या, फिर बीच में कहीं रुकना नहीं है। देखते हैं कि और क्या किया जा सकता है, बट मुझे लगता नहीं। आई होप कि बीच में मुझे गीगा या रेक्स कहीं ना मिल जाए, बस उन्हीं चीज का मैं सोचता हूँ। उसके अलावा तो मुझे और कोई दिक्कत इन एरियाज में किसी का नहीं है। कुछ ऑब्सीडियंस, कुछ मेटल, और एक दो चीज मुझे क्या चाहिए था मैं भूल गया। मैं फ्लायर की मदद से जब तक एक काम करता हूँ, जब तक मेरा ऑब्सीडियंस और ये सब बन रहा है, मेटल इंगोट्स कंप्लीट हो रहे हैं, हम लोग कुछ बीवर डैम्स को सर्च कर सकते हैं, क्योंकि बीवर डैम आई थिंक हम लोगों के लिए अभी सबसे ज़्यादा नेसेसिटी आइटम्स यहाँ पे हैं, एंड आई थिंक अभी जितना ज़्यादा जल्दी कलेक्ट कर सकूँगा सही रहेगा। मैं सोचा था कि अगले एपिसोड शुरू करने से पहले तक मैं कलेक्ट कर लूँगा, बट एक्चुअली मैं भूल गया कि हाँ मुझे इन सब चीज़ों का अभी ज़रूरत था, मैं ध्यान नहीं दिया। ये शायद मेटल नोट्स नहीं है, ये रहे मेटल नोट्स, एंड क्रिस्टल्स का भी ज़रूरत बहुत जल्दी पड़ने वाला है। अच्छा हुआ कि मैं वेपन्स को अपग्रेड करके आया था, ताकि मेरा ऑलमोस्ट एक बार में इतना कलेक्शन हो जाए कि फिर दिक्कत ना हो मेरा। कुछ और नोट्स मुझे दिखाई तो दे रहे हैं वैसे तो। एंड मैं गया, भागो 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 भागो, कहाँ है मेरा एंट्री? ओ सिट सिट, मैं गया, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ।
एक मिनट, ये मैक्स लेवल का है? अरे यार मुझे इसको टेम कर लेना चाहिए था। अगर मेरे पास हार्पून लॉन्चर अभी होता तो मैं इसको टेम कर चुका होता। पर छोड़ो, उसकी किस्मत मरना ही लिखा तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था एक्चुअली उसको टेम करने के लिए, तो मारना ही पड़ा उसको इनडायरेक्टली। मैं इसका टर्निंग रेडियस बहुत ख़राब है, अगर मैं सही से कंपेयर करूँ बाकी डायनोस के हिसाब से। न्यू डायनो जो एंट्री हुई एक्चुअली में इसका बहुत ही ज़्यादा टर्निंग रेडियस ख़राब है। उसको टर्न करने के लिए मुझे आगे पीछे इतना होना पड़ता है कि मुझे सोचना पड़ता है कि मैं सही जगह टर्न भी हो रहा हूँ या नहीं। कुछ और भी एक दो और बाकी है बस, छोड़ो। ओह सॉरी, ठीक है। आई थिंक इतना और काफ़ी और ज़रूरत नहीं पड़ेगा हम लोगों को बिल्कुल भी। आसपास के सिचुएशंस में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है यहाँ का काम। बस मुझे और एक मेटल नोड दिखाई दे रहा है, मैं अगर उसको भी तोड़ लूँगा तो सही रहेगा। उसके बाद सीधे अपने बेस निकलते हैं, फिर वहाँ जाके देखते हैं कि ओ सिट 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 सिट, वहाँ पर और भी एक स्नो आउल है, वहीं पर मेरा एंट्री भी है। किधर गया मैं? अगर उस 290 स्नॉल को अगर टेम कर लेता तो मुझे लग रहा है कि शायद मुझे मेविंग का और ज़रूरत नहीं पड़ता। 290 का था, अच्छा खासा लेवल का था, मैं क्यों उसको मारा मैं सोच रहा हूँ। एक्चुअली में मेरे पास नेट प्रोजेक्टाइल भी नहीं था, ना ही मेरे पास ट्रैप्स थे ना गेट्स थे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। बट हम लोग आ चुके हैं पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है, ये कहाँ है? ओके, एंड यहाँ पे डालो अब जितने भी मेटल्स हैं। मेटल किधर का? मेटल किधर का? मेटल किधर? अरे ओ सॉरी, मेटल्स मेरे पास ही थे। अरे ठीक है, इनको पूरा हिस्से में बांट दो सबको, ताकि जब तक मैं ये लेकर आऊँ पूरा स्पीड अप में सभी के सभी ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हूँ। क्या यहाँ का काम सब हो चुका है? एंड आई थिंक मुझे तो लग रहा है कि सब के सब बराबर तरीके से हो चुका है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर मैं यहाँ का देखूँ तो मेरा जैसे कि यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों को अभी मेविंग के लिए बस और बस यही चाहिए। क्या मैं एक बार और चेक कर सकता हूँ कि मुझे हार्पून के लिए और क्या चाहिए? हार्पून लॉन्च, कुछ मेटल इंगोट्स एंड सीमेंटिंग पेस्ट। तो सीमेंटिंग पेस्ट के लिए मुझे लग रहा है कि शायद मेरे पास सीमेंटिंग पेस्ट और नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत से काइटिन्स का ज़रूरत है। एक काम करते हैं, चलो ये ड्रॉप गिर चुका है। हाँ, ड्रॉप में से ऑब्वियसली अगर थोड़ा बहुत, ओह मुझे बहुत अच्छे अच्छे चीज़ एटलीस्ट मिल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन चीज़ों का ज़रूरत था वो मिल चुका है तो सही रहेगा। कुछ ये और ये, और फिर इन सभी को फेंक दो। ठीक है, अरे तो क्या काम हो चुका है यहाँ का? मुझे बस जितना जल्दी हो सके थोड़ा सा ऊपर के एरियाज़ में जाके चेक करना कि एक्चुअली में बीवर डैम्स है कहाँ पे, और बीवर डैम्स से क्या मुझे उतना रिसोर्सेस मिल पाएगा जितना अभी के लिए मुझे चाहिए। तो उसके लिए मुझे पहले तो गामा बढ़ाना पड़ेगा, और बीवर डैम का मुझे वैसे तो लोकेशन याद नहीं है कि बीवर डैम्स है कहाँ पर,
बट आई थिंक आसपास के एरिया में कहाँ था, एक मिनट, बीवर डैम मुझे याद करना दो। यहाँ पे कौन सा एक रिवर था जहाँ पे बीवर डैम्स अवेलेबल थे? किधर गए? ओ हाँ, ये वाले। टू सेवेंटी लेवल का सर्को, ओके। क्या यहाँ पे बीवर डैम्स है? नहीं, ठीक है। बीवर डैम्स, बीवर डैम्स, बीवर डैम्स, आसपास में आई थिंक एक रिवर है जहाँ पे बीवर डैम्स मिल सकते हैं। यही वो जगह जहाँ पे एक्चुअली में बीवर डैम्स होते थे, ये रहा। डैम्स का तो पता नहीं, बट डैम्स अवेलेबल है, और मे बी अगर चांसेस रहा तो यहाँ पर मुझे दो दो मिल जाएंगे, बट तब भी। एंड काफ़ी है, 700 सीमेंटिंग पेस्ट, मतलब मेरा बहुत काम हो गया। बट मुझे रेयर फ्लावर, रेयर मशरूम्स नहीं मिले, तो वो थोड़ा दिक्कत वाला बात हो गया मुझे लग रहा है। बट मे भी, एक मिनट, यहाँ पे और भी बीवर डैम्स होने तो चाहिए अगर मैं इसको फॉलो करूँ तो। हाँ, मुझे एक और मिल चुका है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फ्योर्डर में बीवर डैम्स कलेक्ट करने का, कि एक्चुअली में यहाँ पे बीवर्स नहीं है और मुझे मिल चुके हैं। ठीक है, तो क्या, एक मिनट, मैं गलत जगह जा रहा हूँ। एंड मुझे लग रहा है कि मैं गलत जगह फंस चुका हूँ। तो इसको पहले अंदर डालो, उसके बाद फिर टेरानो को निकालो और निकलो यहाँ से। ठीक है, तो बीवर डैम्स का से हम लोगों को ऑलमोस्ट आई थिंक सब रिसोर्सेस मिल चुका है जितना भी ज़रूरत था। मुझे लग रहा है कि रेयर फ्लावर, रेयर मशरूम्स कंप्लीट हो चुके हैं और आसपास के, उसके बाद सीमेंटिंग पर बहुत मिल चुका है अभी के लिए। और अगर मैं वुड का देखूँ तो वुड ऑलरेडी है, बट मुझे पहले इन लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन लोगों से मुझे थोड़ा सा खतरा है। यहाँ पे इतने सारे ग्रिफिन्स कैसे आए? होप कि कोई भी ग्रिफिन, हाँ चलो मैं बच गया। और यहाँ पे एक्चुअली मैं स्पाइनो लोकेशन से, स्पाइनोस यहाँ से डिस्पॉन हो चुके हैं क्या? क्योंकि मुझे एक भी स्पाइनो अभी तक दिखे नहीं है। और यहाँ पे अल्फा रेक्स होगा कहीं ना कहीं, नहीं या फिर अल्फा कार्नो, ओके, कोई भी नहीं है। किधर गया? कंप्लीट आई थिंक। और फिर हमें यहाँ से वापस भी जाना है रेडवुड के साइड, ताकि हम मेविंग्स को टेम कर सकें। ठीक है, कंप्लीट। ओ 1600 ये, फिर ये दोनों, एंड आई थिंक इतना सीमेंटिंग पेस्ट काफ़ी है। ठीक है, तो अब अगर मैं हार्पून लॉन्चर का बात करूँ तो प्लीज़ कि अब मुझे हार्पून लॉन्चर दे देना, मैं तब से बहुत ज़्यादा वेट कर चुका हूँ। सीरियसली? ये जान मुझ के कर रहे हैं ऐसे। एक काम करता हूँ, जब तक ये कंप्लीट हो रहा है, वैसे भी मैंने, मुझे एक गन का जरूरत है सबसे पहले। तो गन का है, 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 ये रहा। ठीक है, तो अब अगर गन आ चुका है तो पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं इन सभी में से क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, तो गन का है, ओके है। पहले तो इसको यहाँ यहाँ ट्रांसफ़र करो, क्योंकि ये सब हम लोग का बाद में गन से पूरा का पूरा स्विच होने वाला है। एंड हम लोगों के पास गन आ चुका है, जब तक मेटल इंगोट्स कंप्लीट हो रहे हैं तब तक लेवल अप भी करके आ जाते हैं और चेक करते हैं कि एक्चुअली में ये जो एबरेशन केव है, एबरेशन केव में एक्चुअली में क्या क्या डिफरेंसेस हुआ है। और मुझे वैसे लगता नहीं है कि ज़्यादा डिफरेंस हुआ होगा, क्योंकि पूरा का पूरा सेम
डिज़ाइन तो किया गया, बस ये है कि ज़्यादा रेवेजर्स ना आ जाए, तो सिट 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 मुझे लगा था कि मैं ऑलमोस्ट मरने वाला हूँ क्योंकि वो रेंडर नहीं हुआ था। साइन हॉर्न्स, प्लांट स्पेसेस, स्वीट वेजी केक्स, सीरियसली मेरे पास मशरूम्स भी नहीं है। मशरूम्स के लिए हम लोगों को वापस से फिर इसमें जाना पड़ेगा उस एरिया में, तो वो एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दूर हो रहा है। नहीं, क्या क्या चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे अभी भी? रोलरेट्स, रेवेजर्स अवेलेबल है। रेवेजर्स का हेल्थ बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिनसे भिड़ना मुझे नहीं लगता है कि एक वोएबल ऑप्शन होगा। उन लोगों को अवॉइड कर देते हैं, अभी निकल जाएंगे यहाँ से। आई होप कि रॉक ड्रेक्स अगर ना मिले तो सही रहेगा, बट बोल नहीं सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में एब्रेंट वेरिएंट ये भी होते हैं, स्पाइनोज भी होते हैं। सो यहाँ पे एक मिनट, टाइम कितना हो रहा है? हाँ, रात के हो रहे हैं। मेगालोसोरस भी अवेलेबल है, 190 रॉक ड्रेक। कार्नो मैक्स लेवल, बट मुझे लग रहा है कि कार्नो का शायद उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा मुझे। कार्नो मैक्स लेवल क्या करें? मैं ये तो श्योर नहीं हूँ कि मैं आगे जाना नहीं चाहता। इधर मैं पहले कार्नो या फिर पहले रॉक ड्रेक को मार दूँ, उसके बाद जाके अगर मैं वहाँ पे फाइट करूँगा तो सही रहेगा। बट क्या हो रहा है कि दोनों वहाँ पे एक साथ घूम रहे हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है वहाँ पे। सिट सिट, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ओह, मेरा डैमेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा मेरा डैमेज है, तो टेंशन नहीं, ये जल्दी मर जाएगा। मुझे लगा था कि रॉक ब्रेक का एक्चुअली उतना ज़्यादा हेल्थ है और वो इतना ज़्यादा था, तो मुझे लगा था कि मे भी चांसेस है कि मेरा हारने का पूरा सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है। बट मुझे लगता नहीं कि इतना भी ज़्यादा मेरा दिमाग खराब था, बच गया। तो अब मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या मैं इस कार्नो को टेम करूं या नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे पास एक अच्छा कार्नो हो जाएगा जो कि मुझे प्राइमेट कलेक्ट करवा रहा होगा। बस एक ही तो लगना है, एक लगने में भी उसका इतना दिक्कत हो रहा है। जल्दी यार, मैं अभी तक कितने एरर्स को वेस्ट कर चुका हूं मैं ये सोच रहा हूं। लगा 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 लगा, लग गया लग गया लग गया। जल्दी भागो जल्दी भागो, ठीक है। सो ये लेवल 40 का है और ये 300 के आसपास टॉर्पर दे रहा है मेरा वीपन। तो आई थिंक 300 के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये वाले का कितना टॉर्पर? 6.6 K टॉर्पर। थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। क्या आ रहा है वो? आया आया आया। ओके, मुझे नहीं लगता कि आ रहा है, बट एक काम किया जा सकता है, पहले ये सब निकालो। सेट, अब मारेंगे इसको। कहाँ कहाँ कहाँ? इधर इधर। अरे एक मिनट, मैं सब भाग क्यों रहा हूँ? मैं तो उसको हार्पून से पकड़ सकता था। ओके,
ये पक्का मुझे बेड देने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा वो वापस आ जाएगा मुझे अटैक करने के लिए, है ना। वो बेट नहीं था, सिट, मेरे को लगा ही था वो आएगा वापस मारने के लिए। एक काम करता हूँ, ऑलमोस्ट 3000 के आसपास इसको पहले मैं ये कर लेता हूँ, और जैसे ये हो जाएगा उसके बाद इसको सेट। ये फिर भाग रहे इतने जल्दी, एक मिनट, मेरे पास हार्पून लॉन्चर है। अरे यार उसी के लिए तो इतना मेहनत तब से कर रहा था। चलो अच्छा है कि एटलीस्ट मैं इस केव में आ गया, तो मुझे मैक्स लेवल का। प्लीज भागना मत, क्या कोई चांसेस है जिसमें अगर मैं इसको नीचे कर देता हूं मैं फंस गया, और मेरा ब्लीडिंग डैमेज बढ़ रहा है। ओ बच गया। ओ मुझे लगा था मैं ऑलमोस्ट मर चुका हूँ, और बट दिक्कत ये कि इस बार अगर ये भागा तो और ये रुकेगा नहीं। सीरियसली करना क्या कर रहा है, मीन्स मैं जान नहीं पा रहा हूँ इधर। या तो वो मेरे को सीरियसली बेवकूफ समझ के रखा है जो मुझे दौड़ा रहा है वो तब से, क्योंकि उसका टॉर्पर अब तक इतना हो जाना चाहिए कि वो सिर्फ भागे और मुझे अटैक ना करें। 6 हो चुका है, 6 पॉइंट। अरे यार बस 2 ही मारना है, ठीक है। अब बात इसका आ गया है, नीचे मत जाना, नीचे मत जाना, नीचे मत जाना। अरे यार कहाँ है वो, नीचे रेविजर से। ओह आइडिया बुरा नहीं है, इस रियूनस्टोन को पहले पकड़ते हैं और उसके बाद अब उसको टेम करते हैं। किधर गया, अरे नहीं 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 मैं गलती किया, रियूनस्टोन मुझे तब लेना चाहिए था जब मुझे कार्नो को लेवल अप करना था। सीरियसली वो क्या हुआ, नीचे जाके एक्चुअली मैं अपने आप को फंसाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि नीचे बहुत सारे रेविजर्स घूम रहे हैं, दिक्कत ही हो रहा है, और ये मुझे जान मुझ के उनके पास ले जा रहा है, और ये खत्म, ठीक है कंप्लीट ऑलमोस्ट। इतना प्रॉब्लमेटिक ये था डाइनो, क्या चाहिए भाई इसको, 9 प्राइम मेट्स। तो मैं काम करो, तुम आराम से रहो, आराम से टेम हो, और हम तब तक आते हैं बाकियों से लड़के। किधर गया वो, एक कारण मेरा इतना हालत ख़राब कर दिया, मुझे लगा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना ज़्यादा दिक्कत दे देगा मेरे को। क्या मैं इन रेवेजर्स को मार भी पाऊंगा, आइडिया नहीं हमारा। हाँ ये चीज़ अच्छा है कि मेरा पुशबैक अच्छा करता है, वरना उन लोगों का ब्लीडिंग डैमेज मेरा हालत ख़राब कर देगा। एक रेवेजर गया, 2 गया, और एक बाकी होगा, ठीक है। हाँ काफ़ी था, और मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से मेरा लेवल अप बहुत स्पीड में हो रहा है। मेरा वैसे भी मुझे बफ मिल चुका है, तो शायद इतना अब दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ओ, मैं कुछ ज़्यादा ही लेवल ऑफ स्पीड मार रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि हम लोगों को एंड्रियो का सैडल बहुत जल्दी मिलने वाला है, और जिस स्पीड में ये हो रहा है, एक काम करते हैं उसको छोड़ देते हैं वहाँ पे आसपास में। एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी डाइनो को अगर नॉक करके अगर उस एरिया को छोड़ दिया जाए तो क्या होता है कि वहाँ पे और कोई भी डाइनो स्पॉन नहीं होते हैं और ना ही। ओ सिट 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 सिट, यहाँ पे कार्नो कैसे आया मेरे बेस के पास? अब यहाँ से निकलते हैं। मैं उसको वैसे फूड दे चुका हूँ और ये कर चुका हूँ। एक मिनट, मैं भूल चुका था कि केव के अंदर का डाइनो बाहर नहीं मिलेगा। एक मिनट, तो वो फिर मुझे शो क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, ओ कोई दिक्कत नहीं है, जैसे वो टेम हो जाएगा मैं वापस से आ जाऊँगा उसको वापस करने के लिए। तब तक एक काम करते हैं, तब तक हम मेविंग को लेके आ जाते हैं। शायद इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड तब तक इसको टेम, इसको ये रखते हैं। और हमारा ये कहाँ है? तो क्या मेरा हार्पून लॉन्चर अब बन चुका है फाइनली? क्योंकि मैं तब से उसी के लिए बस वेट कर रहा हूँ। हार्पून लॉन्चर, वाह, मेरा सोर्ड कहाँ गया? ये फालतू का ये शोपीस है। एक काम करो, कहाँ है ये? बेबी रेक्सी को डालो। और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये भी कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ वेट्स और बढ़ाना है, ठीक है। क्या 30 कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट मे बी, और 16 थोड़ा सा और लगेगा। मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। ये होने के बाद मैं सोच रहा हूँ एक कैंटीन बना लेता हूँ। क्या कैंटीन अवेलेबल है? क्योंकि मेरा वाटर का कुछ ज़्यादा ही इशू हो रहा है, मैं नोटिस कर रहा हूँ तब से। क्या हुआ? ओ सो ये कैंटीन के लिए मुझे 10 पॉलीमर लग जाएंगे। वाह, 30 हार्पून्स के लिए और 10 कैंटीन के लिए, ऑलमोस्ट 40 के आसपास। जैसे 40 प्लस हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ कि ये छोड़ दूंगा तो सही रहेगा। 40 प्लस, और कुछ? और कुछ? जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा और कंप्लीट। ये जैसे ही बना, एंड ये निकालो, इसको इधर लेकर आओ और इसको इधर लेकर आओ। किधर गया? ठीक है, तो क्या अब मैं हार्पून बना सकता हूँ? एंड यस, इसको यहाँ पर डालो और इसको फेंको। ये सोर्ड का तो वैसे मेरे को कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया, बिना मतलब के ये कुछ ज़्यादा ही। मेरे को लगा था कि ये हर टाइम रहता था, एटलीस्ट सही रहता, बट वो टाइम टू टाइम गायब हो जा रहा था, कोई फ़ायदा नहीं उसको करके। ग्रैपलर्स काफ़ी है, बट मुझे लग रहा है कि अगर शायद कम पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता है, ठीक है। क्या ग्रैपलर्स हो चुके हैं काफ़? और ग्रैपलिंग, अभी ग्रैपलिंग्स के लिए मुझे लग रहा है कि मैं भी, और अगर मैं 10 बना लेता तो सही रहता, ठीक है। जितना बन रहा है उतना ले लेते हैं, और मैं भी चांसेस है कि मेरा सब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कुछ और बस एक दो चीज़ों का ज़रूरत है। अगर मैं जैसे बात करूँ तो, जैसे कि ये नेट प्रोजेक्टाइल अगर मेरा यहाँ पे लग जाता है, मेरा नेट प्रोजेक्टाइल अगर लग जाता है तो उसके बाद बस ये देख लेता हूँ कि मुझे क्या करना है। एंड जैसे ये कंप्लीट हुआ, बस मैं ग्रैपलर से एक ले लेता हूँ, जल्दी से हम रेडवुड में निकलते हैं। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा, मेरा टाइम वेस्ट इधर उधर हो रहा है और मैं इतना ज़्यादा ये सब चीज़ में फंस चुका हूँ, ठीक है। तो नेट प्रोजेक्टाइल रेडी एंड ओके। तो ठीक है, इसके बाद कुछ और इसका मूवमेंट स्पीड मुझे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इतने से मूवमेंट स्पीड में इसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। मुझे और फास्टर चाहिए, बट मुझे लग रहा है कि एक बार मुझे मेविंग मिल जाएगा तो शायद मैं और टेरानो को यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं, मेरा नॉर्मली हमेशा से मेरा मेविंग सबसे बेस्ट डाइनोस में से रहा है, और मैं हमेशा से मेविंग को यूज़ करते आ रहा हूँ, सिर्फ उसके मैकेनिज्म के लिए, ग्लाइडिंग एबिलिटी के लिए। क्योंकि चाहे लो लेवल का भी मेविंग क्यों ना हो, एक मेविंग को इतना टेंशन नहीं होता है इन चीज़ों का, जैसे कि
स्टैमिना का या फिर किसी चीज़ का, हेल्थ का इतना टेंशन नहीं, क्योंकि उसका नॉकबैक और इसका जंपिंग एबिलिटी इतना होता है कि अगर कोई डायनोस को ग्रुप करके रखा है तो इजीली हम उसको, तब तक जब तक गीगा ना हो, क्योंकि मैं एक्चुअली में एक अपना सबसे बेस्ट मेविंग इसी मैप में, फ्यूडर के मैप में, पिछले सीरीज में बहुत ही कुत्ते की तरह मैं हारा हूँ एक गीगा से। एक अचानक से गीगा आ गया था और मेरा ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास हेल्थ था, बट उस गीगा ने मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 बाइट में उड़ा दिया था, इतना ज़्यादा उसका डैमेज था। तो वो मेरे लिए एक्चुअली बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था, और उसके बाद से मैंने मेविंग्स को गीगा के सामने बेवकूफ़ी करके भी कभी ले जाने का नहीं सोचा। मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेविंग्स को गीगा के सामने ना ले जाने का, क्योंकि ग्रिफिन्स भी है, स्नोवल्स सही था, बट स्नोवल्स का दिक्कत ये होता था कि स्नोवल्स के ऊपर से हम वेपन्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट जब से अब डेस्मोडस आया, आई थिंक मुझे लग रहा है कि डेस्मोडस के आने की वजह से मे बी ग्रिफिन्स का क्रेज थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि डेस्मोडस के पास ग्लाइडिंग एबिलिटी है, सेम ग्रिफिन जैसा वेपन यूजिंग फ्लाइंग के टाइम एबिलिटी है ग्रिफिन्स के जैसा, ऊपर से सुपरसोनिक एबिलिटीज है जो कि ग्रिफिन्स के पास नहीं है, और डेस्मोडस का खुद का एक एलिजर भी काउंटिंग है जो कि यूनिक काइंड ऑफ है जिसको बनाया जा सकता है, बट दिक्कत यह कि उनको टेमिंग इशू। तो टेमिंग के लिए एक्चुअली में हम लोग अगले एपिसोड में जा रहे हैं उसको, डेस्मोडस को टेम करने के लिए। अगर हम इस एपिसोड में मेविंग को टेम कर लेते हैं और मैं खराब जगह पे गिरा हूँ जहाँ पे डेंजर बहुत है, ओ मेरा ये आदत अभी तक लगता है सुधरा नहीं है, मैं हमेशा स्टैमिना को लेके इग्नोर मार देता हूँ, और इस स्टैमिना की वजह से मैं बहुत बार फंसा भी हूँ। सो क्या मुझे रेडवुड में आज मेविंग्स स्पॉट होंगे? नहीं, थैलो को लिए सर्व जगह हैं, बट मुझे लगता है ओके सो यहाँ पे मुझे तीन तीन दिख चुके हैं, और आई थिंक आसपास में कोई भी डेंजर नहीं, एंड अगर डेंजर हुआ तो मैं गया। ठीक है, तो पहले मुझे चेक करना है ये 40 लेवल का है, 170 एंड 30 लेवल, आई थिंक 170 वाला ज़्यादा बेटर रहेगा अभी के लिए। सबसे बेसिक तरीका, कुछ नहीं करना है, चुपचाप नेट डालो, ट्रैंक्स मारो और ख़त्म। इसलिए नेट नेट प्रोजेक्टाइल्स का आना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिटेबल हो चुका था। सो ये रहा हमारा मेविंग, और साथ ही साथ हमारे पास कार्नो भी है, और कार्नो लगता है मेरा गायब हो चुका है। तो देखते हैं अगले एपिसोड तक, एक काम करता हूँ कि मैं इन दोनों को टेम करता हूँ, और इन दोनों के एपिसोड का शुरुआत वहीं से करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, आई होप कि आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग को ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।